काय अपना जान देने पे तुली हुई, अपना ही जिंदगी काटने लगा क्या तुमको? अरे याद है तुमको, एक दिन तुम हमको जनावर कहे थे, तुमने कहा था कि हमारे भीतर इंसानियत नाम का कोई चीज नहीं, और तुम्हारी उस बात ने हमको बहुत दिन तक सोचने पर मजबूर किया। हमने सोचा भी कि हम अपना भीतर किस जनावर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, भाई जान से मार देंगे। उसके बाद हमको तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी के बंधन में बांध दिया गया, और तुमने हमारे अंदर के जनावर को फिर से जिंदा कर दिया। इसमें हमारी क्या गलती थी? हमें काहे सजा दे रहे हैं? गलती थी और आज भी तुम गलती कर रही हो। सब कुछ जानने के बाद यहाँ रुकी हुई हो। तुमको हमने कितनी बार साफ साफ कह दिया कि हम तुमको अपना पत्नी होने का दर्जा नहीं दे सकते। अरे काहे नहीं चली जाती हमारे सामने से? कितनी बार कह चुके हैं तुमसे एक ही बात, ठकुराइन बनना चाहते हो ना तुम? ठकुराइन वो तो तुम बन गई हो। अग्नि परीक्षा देते समय भी तुम्हारे मन के भीतर यही लालच था कि कोनो कीमत पर ये घर का ठकुराइन बन जाऊं बस, और गहना जेवर पहनना शुरू कर दूं। अरे अगर गहना जेवर ही पहनना था तो हमको पहले ही साफ साफ कह दिए होते, ये नाटक नौटंकी करने का जरूरत था? बाबू जी अपना इज्जत बचाने के लिए हमारी जिंदगी साथ खेले, और तुम अपना लालच के लिए मेरी जिंदगी के साथ खेले। शर्म नहीं आती तुमको? लालच की वजह से नहीं। अरे बस रुक लो नौटंकी, हजार बार तुमसे कह चुके हैं कि तुम्हारे लिए हमारे दिल में कोनो जगह नहीं है, और वो औरत भी तुम्हारे सामने है जिसको मैं अपना पत्नी बनाने का दर्जा देना चाहती हूँ, और उसके बाद भी तुम ही घर में रहना चाहती हो, तो ये लालच नहीं तो और कहा है, बताओ हमको। बस 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 कछु कहने का जरूरत नहीं है, हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी कल हुआ उससे भी बुरा हो सकता है, इसलिए तुमको मशवरा दे रहे हैं हम, तुमको जितना रुपया पैसा चाहिए जो कुछ भी चाहिए चुपचाप यहाँ से लो और निकल जाओ। ठीक है, अगर आपको यही लगता है कि आपके धन दौलत के लालच की वजह से हम यहाँ हैं और हमें दुखी देखकर आपको सुख मिलता है, तो हम तो आपके सुख के लिए हर दुख को सहने के लिए तैयार है। तो ठीक है, अगर तुम ये सब चाहती हो तो ये सही, लेकिन हम भी एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। पर हाँ सुनो, कुल देवता का पूजा में सिर्फ 9 दिन बाकी है, और ये 9 दिन है तुम्हारे पास, इसलिए आज से ही उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। रानी जी कहाँ जा रही हो? वो कहा है कि हमारा कमरा में पानी नहीं था, हमें बहुत प्यास लगी है। अरे बुलाकड़ होगा, निर्जला व्रत रखी हो तुम, याद
नहीं रहता का तुमको? आज का दिन एक भी बूंद पानी नहीं पी सकती हो। अरे जाओ जाकर जाप करो, अरे जाओ। सरकार एक बात पूछे। सरकार पूछो। सरकार ई औरत यहाँ क्या कर रही है? सरकार हमको तो एकदम समझ नहीं आया। ये हमारी रिश्तेदार है, ज़बान संभाल कर बात करो। लेकिन सरकार ठाकुरों के रिश्तेदार ये नाचने वाली कब से हो गई? आप बकवास कर रहे हो तुम? जिस काम से आए हो ना उसी काम पर ध्यान दो, ज्यादा यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है। गलती माफ हो सरकार, लेकिन आसपास गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं जो इस इमरती को ना जानता हो। आसपास बीसियों गांव में उसके हजारों चाहने वाले हैं। सरकार क्या नाचती है हुजूर, माफ कसम, आपको कोनो गलतफहमी हुआ है। अगर ऐसी बात है तो एक बात हमारी भी सुन लो। ये औरत को चाहे पूरा गांव जानता हो लेकिन ये अब हमारे घर पर है, रुद्र प्रताप सिंह के घर पर। ये बात सिर्फ तुम जानते हो, ध्यान रहे। और इस बात की भनक किसी को भी लगी ना, तुम अपने अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा घर वालों के पास पहले से रख दो। आप बेफिक्र रहिए सरकार, हमारा मुंह नहीं खुलेगा। पुराना तरीका हो गया है, हमने होने वाले जेठ जी जरा संभल के चलिए, टकराने के बहाने ना ढूंढा कीजिए। बहुत दिखा लिया तुमने अपनी नौकरी, अब हम तुमको तुम्हारी असली औकात दिखाते हैं इमरती रानी। बाबू जी अपना इज्जत बचाने के लिए हमारी जिंदगी साथ थे, और तू मेरी जिंदगी के साथ ठाकुरायन बनना था ना, तो तुम बन गई। कुल देवता का पूजा मैं से ना दिखा, ये आज जिंदगी की गिनती गिनना शुरू कर दो। किसना, तो बस हमारे पास 9 दिन बाकी हैं। पर 9 दिन में हमको साबित करना है कि हम यहाँ कोनो लालच की वजह से ना ही आए हैं। कोई भी साबित करना है कि हमें सिर्फ हमारे पति का साथ चाहिए, कोनो चीज की जरूरत नहीं है। ये बात का कोई भरोसा करे ना करे, पर तुम तो हमारी मदद करोगे ना। हमें शक्ति दो किसना कि हम अपने पति की जीवन रक्षा के लिए व्रत ठीक से कर सके, चाहे वो हमें कितनी तकलीफ क्यों ना दे। कहा था ना तुमको कि तुम ही व्रत नहीं रखोगी, बस बहुत हो गया, चलो खा लो। नहीं माँ जी, ये व्रत हमारे पति की जिंदगी के लिए है, ये व्रत हम ना ही तोड़ सकते। ये व्रत तोड़ के हम हमारे पति की जिंदगी मुसीबत में ना ही डाल सकते। तो देखो कितने
इतना सारा फल? अरे इसमें से दो चार ठो खा लेंगे तो किसको कहाँ पता चलेगा। ज्यादा ही भूखी हो तो लो फल खा लो। अरे भूख तो सबको लगती है, इसमें इतना घबराने का कौनो बात नहीं, खा लो। जेठ जी इंसान की नजर और नब्ज दोनों पहचानने में इमरती कभी धोखा नहीं खाती, इसलिए हमारे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश नहीं कीजिएगा, समझे? होने वाली पत्नी पर हाथ डालते हैं और अपने आप को इज्जतदार कहते हैं? अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। ये थप्पड़ जो तुम हमको मारी हो, चाहते तो इसका जवाब तुमको भैया दे देते। काहे कि तुम पूरे 20 गांव में कितनी इज्जतदार हो ये तो हमको पता चल गया है। तुम्हारी इज्जत कैसी होनी चाहिए ये तुमको बताएगा रुद्र प्रताप सिंह। समय पूरा हो गया, तुम जल्दी से जाकर शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। व्रत का उद्यापन किए बगैर कुछ खाया पिया नहीं जा सकता और उद्यापन शादी का जोड़ा पहन के ही करना होता है। माता जी, जब व्रत रखने का जिम्मा हमने उठाया है तो उद्यापन भी तो हम ही करेंगे ना। अरे वाई मर्दी, ये कपड़ा में तो एकदम दुल्हन लग रही है और यहाँ कपड़ा पहनकर अपने होने वाले पति के लिए व्रत का उद्यापन भी करें।
दो रानी। अरे हाँ देखो तो ये कपड़ा हम पे कैसा लग रहा है। कपड़ा नहीं है, शादी का वो जोड़ा है जो हर सुहागन अपने शादी के वक्त पहनती है। जोड़ा हर औरत की निशानी होता है, तो पहनने का हक भी सिर्फ उको है जिनका ही जोड़ा होता है। नहीं, ये जोड़ा हमको दे दीजिए। अच्छा बिट्टू रानी, लगता है कि तुम भूल गई हो तेज बाबू का कहे थे। ये सब कुछ जो तुमको मिला है ना, काहे कि तुम तेज बाबू की पत्नी हो और अब इन सब चीज में हमरा हक है। तो ये जोड़ा किसका हुआ? हमरा हुआ ना, समझी का? बस बस करो अपनी बकवास। ये जोड़े के बारे में कछु नहीं सुन सकते हम। इतने दिन से सहते हुए आ रहे हैं, नहीं घर में नौकरानी बनकर रह रहे हैं पर हम कछु नहीं बोले। ठीक है, एक कंगन हमसे छीन लिया तुमने, तब भी हम कछु नहीं बोले। का जोड़ा अस्तित्व है, हमारी जिंदगी है। जिंदगी हम तुम्हें नहीं दे सकते, मरती कभी नहीं।